दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पॉजिटिव प्रतीक्षा सूची ज्वाइनिंग को लेकर के। इसके बाद बात करेंगे DEE++ शिक्षक भर्तियों को लेकर के। साथ ही साथ बात करेंगे द्वितीय प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग और बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के। CM नीतीश कुमार जी का बयान आया, इस पर भी हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी DEE++ शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना। दोस्तों DEE++ PRT के लिए चच्छु प्रकाशन की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्राथमिक स्तर की बुक है जिसमें DEE++ के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति क्षमता, संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी एवं शिक्षण विधियाँ, इन सभी विषयों को बारीकी से कवर किया गया है। इसमें आपको 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी व्याख्यात्मक प्रश्न मिलेंगे, 25 सोल्ड पेपर्स मिलेंगे पूरा कंप्लीट हल सहित, और ये DEE++ PRT के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित ये बुक है। मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है उन बुक्स की अपेक्षा ये बुक काफ़ी अच्छी। तो अगर आप DEE++ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए। चलिए अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पॉजिटिव प्रतीक्षा सूची ज्वाइनिंग को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि 2016 के अभ्यर्थियों की और 2021 के अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची की काउंसलिंग हो चुकी है। लास्ट काउंसलिंग 2 अगस्त को हुई थी आपकी 2016 प्रवक्ता की, और उससे पहले ही जुलाई में ही टीजीटी पॉजिटिव 2021 वालों की और 2016 के टीजीटी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। अगर आप देखें तो लगभग 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ। तो जानकारी निकल के आ रही है कि आपकी टीजीटी पॉजिटिव की जो काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उनके जो नियुक्ति पत्र हैं संभवतः जो है करीब 25 के पहले पहले आपको जो है पैनल जारी हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, पैनल भले ही जारी हो जाए लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने में थोड़ा अभी विलम्ब हो सकता है, क्योंकि निदेशालय यह प्रयास कर रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये प्रयास रहता है कि जो भी भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार में अब हो रही हैं उन सबके नियुक्ति पत्र माननीय योगी जी के हाथों द्वारा मिलते हैं। तो अगर मतलब पैनल जारी हो जाता है और माननीय योगी जी को टाइम रहता है तो आपको जो है नियुक्ति पत्र इसी मतलब जो आपका एक तरीके से कहें औपचारिक नियुक्ति पत्र होता है वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो मेन नियुक्ति पत्र होता है वो आपको संबंधित मैनेजर से ही मिलेगा। DIOs आपको जो लेटर मिल देते हैं वो नियुक्ति के लिए आदेश होता है मैनेजर के लिए। तो पहले पैनल जारी होगा, ठीक है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। तो संभवतः 25 के पहले पहले आपका पैनल जारी होने की सूचनाएं मिल रही हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि द्वितीय प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग कब करवाई जाएगी, बहुत सारे छात्र परेशान हैं, काफ़ी सारी सीटें खाली चली गई, आप लोग जानते हैं, समाचार पत्रों में आया हुआ है और हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया हुआ है कि वीडियो में कि किस विषय में कितनी कितनी सीटें खाली गई हैं। तो जो भी द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए इंतजार कर रहे हैं आपको बता दें थोड़ा सा अभी विलंब इसमें है, क्योंकि पहले जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनका पैनल जारी होगा, ठीक है। पैनल जारी होने के बाद ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो संभवतः लास्ट अगस्त में आपकी जो है काउंसलिंग करवाई जा सकती है या फिर संभवतः सितंबर भी हो सकता है। द्वितीय सूची के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये डिपेंड करेगा सारी चीज़ें फर्स्ट काउंसलिंग के पैनल वगैरह पर, ठीक है। तो जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के क्या चल रहा है। आप लोग जानते हैं इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है और बिहार में BPSC की भर्ती परीक्षाएं भी होने छात्र असमंजस में है। लेकिन पहले ही आप वीडियो सुनिए इसमें क्या कहा गया है CM नीतीश कुमार जी की तरफ से। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,471 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा और बहुत जरूरी है
कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी, और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही, वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा, और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था, ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। अब वो करते थे, बहुत हुआ, और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है, आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया, 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया, तो सब किया गया है। आप कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई उढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं, तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए, और इसके बाद बाकी लोग भी हैं उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे, ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है, और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से, आज जो पढ़ाएंगे नहीं आज जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी। जरूर करिए 170,000 शिक्षक भर्तियों की, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि आखिर जो 170,000 भर्ती हो रही है इसकी परीक्षा समय से हो पाएगी या नहीं पाएगी, बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो जाहिर सी बात है अभी राज्य सरकारें डिसीजन नहीं ले पा रही, क्योंकि एनसीटी का भी कोई भी पत्र नहीं आया है। हालांकि एनसीटी ने साफ कर दिया है कि कोई भी शिक्षक हो अगर एक कोर्स कर लेता है तो क्या वो सभी जो चारों आपके एक तरीके से स्टेजेस हैं, प्रीपरेटरी, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, सभी के लिए कैसे एलिजिबल हो सकता है, ये बात स्टेटमेंट में निकल के आई है जो कि कल जी न्यूज में उन्होंने दिया है। इस बात से काफ़ी कुछ ये आशंका है कि अब बीएड को लेकर के एनसीटी कुछ करने वाला नहीं है, जो कुछ करना है वो भी केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने में भी कई सारी समस्याएँ हैं, ऐसी जानकारी जानकार बता रहे हैं। बात कर लेते हैं DSSB शिक्षक भर्तियों को लेकर के, तो आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया था DSSB की भर्तियों के लिए, इसमें 17 अगस्त 2023 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, 15 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है फिलहाल वो म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, 182 वैकेंसी म्यूजिक टीचर की है, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की 581 वैकेंसी है। तो जो भी अभ्यर्थी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो TGT कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, PGT की भी वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इन सब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। 17 अगस्त इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, governmentjobcenter.com पर इसके लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि देखिए इस नोटिफिकेशन में 1841 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें TGT के कम पद हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़्यादा भर्तियाँ हैं। तो अगर आप PRT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या TGT की बाकी सब्जेक्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे पद खाली हैं और उनका विज्ञापन भी अतिशीघ्र जारी किया जाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी सूचनाएं होंगी चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और ये डीडी प्लसबी की जो भर्तियाँ होती है इसमें ऑल इंडिया के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो जो सूचनाएँ आएँगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।